हेलो गाइस, आप सब लोग स्वागत है मेरी और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं यार बहुत दिन के बाद मिल रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं अपने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए गए एडिडास के बैट को। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम शुरू करते हैं। इस बैट में क्या है ऐसा, मतलब किस क्वालिटी वगैरह हम देखेंगे, कैसी ग्रिप वगैरह, कैसे सब कुछ इस वीडियो में आपको पता लगेगी। तो चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट। गाइस, ये रहा हमारा बैट। तो यार, इसमें जैसे कि लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट की तरफ से आया, सब कुछ इसके अंदर है। तो इसको अब खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैं यार टेबल में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बैट ने आपके सामने पूरा नहीं आना और आपको अच्छी तरह दिखेगा नहीं और आपको इसकी क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं पता लगेगी। तो इसके लिए मैं ऐसे ही सामने आपके कर रहा हूँ अनबॉक्स। तो यार, सबसे पहले तो ये इसकी पैकिंग बहुत अच्छी करी गई है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो गाइस, मैं आपको इस बैट का लिंक दोनों फ्लिपकार्ट और उसमें अमेजोन में दोनों में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जल्दी जल्दी खोलते हैं हम। तो गाइस, बैट की लुक से तो लग रहा है यार, बैट बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। तो इसको यहाँ से खोल देते हैं। तो गाइस, ये हमारा बैट का, थोड़ी टेपिंग सी और है, थोड़ी सी देर और लगेगी खोलने में। तो गाइस यार, हम सिंपल ही करते हैं ना, क्या चाहिए, इसकी लोड ही नहीं अच्छा होगी, हम सीधा ही हाथ से कर देंगे यार, हम इंडिया में हम ऐसे कर देंगे। तो गाइस, इसमें हमको कवर भी मिला है और ये एडिडास का प्लेरा बैट है 4.0 वाला वर्जन। तो इसको अब हम खोल के देखते हैं। तो यार बैग, मतलब जो कैरी बैट को कैरी करने वाला बैग है, वो तो बहुत बढ़िया है। तो गाइस, ये रहा हमारा एडिडास पर बैट। तो आप देख सकते हो इसकी फ्रंट लुक, मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ, और इसकी बैक लुक भी आप देख सकते हो। तो मैं इसकी आपको एक अच्छी सी वीडियो भी बना के देता हूँ। इसी वीडियो के अंदर आपको इंक्लूड करी जाएगी इसकी वीडियो, जिससे आपको पता लगेगा बैट की क्वालिटी वगैरह कैसे, सामने से ग्रेन्स दिखेंगे इसके और सब कुछ दिखेगा। वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया बैट है। तो यार, इसमें ग्रेन्स भी दिख रहे हैं बहुत अच्छी तरह, और ये यार बहुत ही बढ़िया बैट है क्रिकेटर के लिए। और इसमें मतलब जो से सारे, मतलब जो खेलने वाले हैं उनको लोगो वगैरह अच्छे से ही होते हैं, तो वो भी शाइनिंग लोगो और बढ़िया लोगो है इस तरह से। और ग्रिप की बात करी जाए यार, ग्रिप बहुत हैंडलिंग है, और इसका मतलब स्मॉल शॉर्ट हैंडल है, जिसकी बात बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें शॉट्स मारने में बहुत अच्छा लगता है शॉर्ट हैंडल में। अगर लॉन्ग हैंडल होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है शॉट मारना। और यहाँ पे ग्रिप भी बहुत अच्छी दी गई है एडिडास की तरफ से, और छोटा भी है थोड़ा हैंडल, ताकि अच्छी तरह ग्रिप पकड़ी जाए, हाथ में बैट पकड़ा जाए, जिसका हाथ छोटा भी है वो भी पकड़ सके इस बैट को। और इसमें टो गार्ड भी हमको लगा हुआ मिला है, और बाकी एज वगैरह बहुत अच्छी है शार्प, और इसमें फिश टेप का भी अप्लाई करा गया, ताकि कोई मतलब एज जो उनसी होती है टूटे ना, और उसकी वजह से हमारा ये फिश टेप का अप्लाई करा गया है कि ये एज टूट ना सके। और यार, इसका मतलब कर्व भी ये बहुत बढ़िया है, तीखा कर्व है। और यार, और क्या ही बात करूँ यार, सब कुछ बढ़िया है इस बैट के अंदर, सब इसके लोगो वगैरह सब बढ़िया लगाए हुए हैं। और यार, ये लेदर बैट है, शॉर्ट हैंडल बैट है। इसके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है शॉर्ट हैंडल बैट यहाँ पे सामने लिखा हुआ। वैसे मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, आपको इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड होगी इसकी। तो इस वीडियो के बाद जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस बैट के बारे में सब कुछ, तो उसके बाद आपकी इसके आपके सामने इसकी वीडियो दिखाई जाएगी। वैसे ये बैट कश्मीरी बिलो है, और ये मेरे को आसपास 1500-1700 के बीच में पड़ा है, क्योंकि यार ये बहुत ही अच्छी डील है। और यार, इसमें मतलब ग्रेन्स वगैरह सब कुछ ठीक है, और बहुत बढ़िया बैट है। आप भी इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, फ्लिपकार्ट से और अमेजोन से आप मंगा सकते हो, दोनों का मैं लिंक दे दूंगा। जहाँ भी आपको सबसे अच्छा प्राइस लगता है वहाँ से मंगा लेना, कोई बात नहीं। मेरे को फ्लिपकार्ट पे लगा था सबसे अच्छा प्राइस, तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगा लिया। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए यही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।